सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको हिंदी विषय में आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अविरल भाग 8 के अकबरी लोटा नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में ऐसे अवसरों के बारे में कहा गया है, लिखा गया है कि जब भी दुख के बीच कुछ हंसी के पल आते हैं तो ये पल हमारे लिए अनमोल हो जाते हैं। अकबरी लोटा बेटा, आप लोगों ने अकबर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन लोटा और अकबरी ये कैसे हो सकता है? ये इस पाठ में बताया गया है कि अकबरी लोटा इसका नाम, इस पाठ का नाम क्यों रखा गया है। अब मैं पाठ पढ़ाने के पूर्व आपको बता दूं कि इस पाठ में क्या लिखा है लेखक ने। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर भी आ जाते हैं जो दुख के बीच भी हंसी के पल ले आते हैं। ये पल हमारे लिए अनमोल होते हैं। इन्हें याद करते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यह कहानी भी रोचक तथा हास्यप्रद घटना से युक्त दो मित्रों की है। हास्यप्रद मतलब हंसाने वाली है। दो मित्रों के बीच की कहानी है। एक है झाऊलाल और दूसरा पंडित बिलवासी। पंडित बिलवासी मुसीबत में फंसे अपने मित्र की सहायता उसके बेढंगे लोटे को बेचकर करता है। वह इस लोटे को एक अंग्रेज व्यक्ति को अकबरी लोटा कहकर बेच देता है। एक लोटा रहता है, उसने उसको एक अंग्रेज को जब बेचा तो उसका नाम रख दिया अकबरी लोटा है। और अंग्रेज तो अकबरी लोटा समझ करके उस लोटे को खरीद लेता है और वह मूर्ख बन जाता है। दो मित्र हैं इस कहानी में, एक का नाम है पंडित बिलवासी और दूसरा है झाऊलाल। तो झाऊलाल किसी मुसीबत में फंस गया है। अभी वो मुसीबत मैं आपको पाठ में आगे बताऊंगी बच्चों। लेकिन जब कोई मित्र मुसीबत में फंस जाता है तो दूसरा मित्र उसका कैसे साथ देता है, आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से पंडित बिलवासी लाल ने झाऊलाल की मदद की। अब मैं पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। वो काशी मतलब बनारस में ठठेरी बाजार में उनका मकान था, वहीं रहते थे। नीचे की दुकानों से उन्हें 100 रुपये किराया मिल जाता था। किराएदार रखे थे जिससे उन्हें 100 रुपये हर महीने किराया मिल जाता था। अच्छा खाते पहनते थे, ठीक ठाक थे, उनका लेवल जो है उनका स्टैंडर्ड सही था। लेकिन खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अच्छा वस्त्र पहनते थे, नौकर चाकर थे, लेकिन एक साथ 250 रुपये उन्होंने कभी देखे भी नहीं थे। आँख सेकना मुहावरा है। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे अचानक ही एकाएक मतलब अचानक 250 रुपये मांगा। अब तो घबरा गए और जब घबराहट में उनका चेहरा देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि आप डरिए मत, मैं आप कहिए तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। लाला झाऊलाल ने कहा कि अरे क्या बात करती हो, उनसे भीख मांगोगी 250 रुपये के लिए? चलो अच्छा मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। लाला झाऊलाल की पत्नी ने कहा कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए मतलब अभी ही चाहिए, अब उसको आप टहलाते मत रहिएगा, बहुत दिनों बाद मत दीजिएगा, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। लाला झाऊलाल ने भी उसी जोश के साथ कहा कि अरे क्या बात करती, इसी हफ्ते ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तब पत्नी ने कहा कि ये सप्ताह आप किसे मानते हैं, 7 दिन को या 7 वर्ष में? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गया, रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। लेकिन 4 दिन बीत गया और लाला झाऊलाल रुपये का कोई प्रबंध न कर सके, कोई इंतजाम न हो सका और उन्हें पत्नी को देना था। 4 दिन बीत चुके थे। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, मान सम्मान की बात थी, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर जब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। लाला झाऊलाल ने सोचा कि हमने तो वादा कर दिया है अपनी पत्नी को 250 रुपये देने का, लेकिन अगर मैं उसे नहीं दूंगा तो क्या सोचेगी, उसकी नज़रों से मैं उसका क्या मूल्य हो रह जाएगा।
अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर धूम दबा कर निकल भागते हैं तो उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। लाला जाऊलाल ने कहा, सोचा कि पत्नी ने पहली बार कुछ मांगा है और अगर इस बार नहीं दिया तो वो क्या मुंह सोचेगी और उसको हम क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे हम कहेंगे कि हमने रुपयों का प्रबंध नहीं किया। खैर एक दिन और बीता। पांचवे दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मित्र को अपनी विपदा सुनाई। चार दिन की बात थी, फिर एक दिन और बीत गया। अब वो घबरा गए कि अब क्या करें। सातवें दिन पत्नी को 250 रुपये देने की बात हुई तो उन्होंने अपनी बात पंडित बिलवासी मित्र को बताई जो उनके मित्र थे। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। मतलब उस समय ऐसा था कि बिलवासी जी के पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। पंडित बिलवासी ने कहा कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं किसी से मांग कर तुम्हें देने की कोशिश करूंगा और मिल गया तो कल शाम में तुमसे मिलने आऊंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। क्या कि अब तो सवाल है सम्मान का, लेकिन अगर नहीं दिए मिला तो ऐसा भी नहीं होगा कि उनकी पत्नी उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध न कर सके तो, कह कि आज शाम को पंडित बिलवासी को आना था, अगर वो नहीं आए और रुपए का प्रबंध नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। बहुत परेशान थे पंडित झाऊलाल। किस बात की परेशानी थी बच्चों उनको, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी को 250 रुपये देने थे। इसी उधेड़बुन मतलब इसी उथल पुथल इसी उहापोह में वो लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वो इसी उधेड़बुन में थे कि रुपये का प्रबंध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अभी तक झाऊलाल नहीं आए, क्या होगा। और उनको प्यास लगी तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी कि पानी दो, लेकिन उनकी पत्नी ही पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, फिर लोटा भी बिना आकार का था जो कि झाऊलाल को पसंद नहीं था। वो गिलास लाना भूल गई थी, लोटे में पानी लेकर के आई थी और लोटा भी नीचे से शेप में सही नहीं था, सही आकार में नहीं था। साल दो साल का ही बना था, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चीलम रही हो। लेकिन उसका आकार ऐसा लग रहा था कि जैसे कि डमरू, और नीचे से गोल जो गोल है वो तो डमरू की तरह और जो ऊपर से वो चीलम की तरह। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। क्या चलो अच्छा है कि कम से कम लोटे में पानी लाई, अगर बोलूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि बाल्टी में खाना भी परस के लाने लगे, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। मतलब उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया, चुपचाप पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। हमारे बड़े बुजुर्गों ने नियम बनाया ना कि खड़े होकर कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए और सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, और जब दौड़ करके आओ या खेल कूद करके आओ तब तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, धूप से आओ तो पानी नहीं पीना चाहिए। ये सब तो नियम बनाया था, लेकिन क्या उन्होंने ये भी नियम बनाया था कि मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लाला झाऊलाल ने जैसे ही लोटा मुँह में लगाया पानी पीने के लिए, क्योंकि गिलास उनकी पत्नी लाई नहीं थी, तो जैसे उन्होंने एक दो घूट पिया होगा कि लोटा उनके हाथ से छूट गया और लोटा उनका हाथ हिल गया और लोटा उनके हाथ से छूट गया।
लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया और लोटा उनके हाथ से छूटा और इधर उधर कुछ नहीं, नीचे धड़ाम से जा करके वो गिर गया। वो आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होना मतलब गायब होना। किसी जमाने में न्यूटन नाम के एक किसी खुराफाती ने पृथ्वी को आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज ईजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। न्यूटन एक वैज्ञानिक था, उसने पृथ्वी का आकर्षण बल नाम की एक चीज ईजाद की थी, मतलब बताया था कि पृथ्वी में आकर्षण होता है और इसी आकर्षण के बल पर, इसी आकर्षण शक्ति के बल पर लोटा जो है जाकर के नीचे गिर पड़ा। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे ती मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। काटो तो बदन में खून नहीं, अब तो लाला को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ऐसी चलती हुई गली में, चलती हुई मतलब सुनसान जगह नहीं थी, लोगों का आना जाना हमेशा रहता था। ऊंचे ती मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचा होगा। कहे कि यह लोटा पता नहीं किसके ऊपर गिरा होगा। अब तो लाला झाऊलाल की हालत खराब थी कि अब क्या करें। बहुत सोच विचार में पड़े थे कि अब तो लोटा गिर गया और जा करके किसके ऊपर गिरा होगा इसका तो अंदेशा ही नहीं, इसका तो अंदाजा ही नहीं लगा जा सकता। ऊपर थी मंजिले से लोटा गिरा और नीचे किसके ऊपर पड़ा है इसका तो अभी अंदाजा नहीं। बच्चों अब ये बताइए, आप लोग सोचिए कि जब लोटा ऊपर से गिरा होगा तो किसी के सर पे गिरा होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी। तो अभी मैंने इतना आपको पढ़ाया है, अब आपको आगे की कक्षा में इसके बारे में बताऊंगी। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में बच्चों मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिया है। गृह कार्य देने के पहले मैं आपको पाठ के बारे में पुनः बता दूं कि कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जो दुख के बीच भी हंसी के पल ले आते हैं। यह पल हमारे लिए अनमोल होते हैं। इन्हें याद करते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यह कहानी भी रोचक तथा हास्यप्रद घटना से युक्त दो मित्रों की है। एक है झाऊलाल और दूसरा पंडित बिजवासी। पंडित जी मुसीबत में फंसे अपने मित्र की सहायता उसके बेढंगे लोटे को बेचकर करता है। वह इस लोटे को एक अंग्रेज व्यक्ति को अकबरी लोटा कहकर बेच देता है। अब गृहकार में जो मैंने प्रश्न दिया है उसके बारे में बता दूं। पहला प्रश्न है लाला झाऊलाल से किसने और कितने रुपए मांगे। दूसरा प्रश्न है लाला झाऊलाल ने रौब के साथ अपनी पत्नी से क्या कहा। तीसरा प्रश्न है पांचवा दिन ने लाला झाऊलाल अपने मन की बात किससे कही। लाला झाऊलाल को पानी लाकर किसने दिया। लोटा किस प्रकार और कहां जाकर गिरा। ये पांच प्रश्न बच्चों मैंने आपको दिए हैं गृह कार्य में, इसको उत्तर आपको लिखने हैं। पाठ मैंने आपको समझा दिया है और अब आप गृह कार्य करिएगा। धन्यवाद बच्चों।